मुस्कान आ गए। सॉरी लेट हो गया, आई एम सॉरी। कब से इंतजार कर रही मैं तुम्हारा, पता है तुम्हें। सो सॉरी। चलो कोई बात नहीं, कहाँ फंस गए थे? अरे जाम में फंस गए थे यार। अच्छा क्या हुआ यार, पता है क्या? बहुत खुश नजर आ रहे ना, इसलिए मैंने पूछ लिया क्या हुआ। कुछ तो यार वजह है ना। हाँ क्या वजह बताओ। तुम हो मुस्कान और कोई क्या है? वो तो मैं हूँ ही यार, पता है क्या? कोई और। मैंने सुना कि किस देने थे ना ग्रेड्स बढ़ते। हाँ किसने बोल दिया ये सब तुम्हें? बोला है डॉक्टर ने, बोला है किस डॉक्टर ने? उस डॉक्टर ने से ले लेते ना, डॉक्टर ने बोला। जॉनी भैया ने बोला, जॉनी भैया ने, जॉनी भैया ने बोला। जॉनी भैया तो तुमने बोला, तुमने कितने किस ले दिए? ये नहीं तो मैं तुम्हें बता देता, समझो यार। ये सब तुम्हें पागल बना रहे। जॉनी भैया कभी, जॉनी सिंह कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसा तो नहीं, हम तुम्हें वो प्यार बढ़ाने के चक्कर में बता बोल रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। असल पता है क्या? हाँ। मैं भी मान नहीं रहा था, ठीक है। हाँ। लेकिन जैसे मैंने देखा ना, और उनका वीडियो देखे ना, जॉनी भैया का, अच्छा, तब मुझे होने लगा कि हाँ यार सही बोल रहे हैं। तो उन्होंने किया किस करवाया? हाँ उन्होंने किया तब बता रहे वो। अरे पागल प्रैंक किया होगा। अरे नहीं अच्छा? उसने बोला है, उसने करके भी दिया, वो मतलब दिखाया है अपना वीडियो गर्लफ्रेंड के साथ, जॉनी भैया ना। हाँ तो तुम्हारा मतलब है मैं भी करूँ? बहुत प्यार करना चाहिए यार। अच्छा प्यार बढ़ेगा, प्यार इतना ही बहुत है। ज्यादा लंबे जाओगे ना तो डूब जाओगे, ज्यादा प्यार में लंबे मत जाओ, इतना ही बहुत है काफी है। समझे नहीं तुम, जितना किसी के मैं चेक करना चाहता हूँ कि यार वो सच बोला कि झूठ बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहे सही होंगे, सच बोल रहे। अच्छा। सही में मैं नहीं मान रहा था यार, लेकिन जॉनी भैया कह रहे हैं, ठीक है। हाँ। उनको कर रहा है जॉनी भैया, तो उनके गर्लफ्रेंड को कर रहा था। हाँ। तो बोल रहा कि लिप किस करने से, आपको गर्ल पे किस करने से कलेज बढ़ता है। मैंने बोला यार ये कौन सी बात हुआ, लिप किस करने से कलेज बढ़ता है? अच्छा बोले यार ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ यार। किसी कहने मत जाओ, समझे, अपने बात को रखो, किसी कहने मत जाओ। कोई तुम्हें बोलेगा कि कुछ भी करो तो तुम कुछ भी कर लोगे। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन उनका बात सही बोल रहा है। हाँ। तो जो ने फीलिंग किया ना सही कह रहा है वो। फिर तो तुम्हें यार मेरे तुम्हें लगता है ऐसा होगा? वो फीलिंग मैं भी लेना चाहता हूँ, अब मैं जानना चाहता हूँ सच बोले कि झूठ बोल रहे। तो ये सोच लो मैंने किस कर ली तुम्हें और तुमने फील कर लिया। जूता जूता मोटा मैं वो करूँ मैं तो क्या यार, एक दोस्ती सच्चा प्यार जरूरी नहीं दिखावे से ही हो, ऐसे भी तो हो सकता है। क्या पता वो सच बोल रहा है यार, मैंने लिया नहीं। किसी कहने पे मत जाओ, ठीक है ना बुद्धू? मोय हो जाएगा, पता है मोय हो जाएगा। अरे नहीं यार बुद्धू तो हूँ नहीं, ठीक है इतना बोल नहीं सकते, लेकिन मैं 100% मुझे लग रहा है कि हाँ किस करने से 1000 ठीक है। हाँ के लिए आता है, बॉडी में एनर्जी आता है। नहीं मानोगे तुम, बोल तो नहीं मानोगे तो, और बताओ कोई दूसरा इलाज करूँ तुम्हें? कोई दूसरा इलाज भी है? हाँ है ना। कौन सा है? अरे फोन हाथ पे, फोन जेब में रखना पड़ेगा, दूसरा इलाज करके दिखा। वो इलाज नहीं चाहिए मेरे को, वो इलाज चाहिए नहीं। कुछ नहीं चाहिए ना, कुछ प्रैक्टिकल नहीं करना ना। प्रैक्टिकल मुझे करना है, लेकिन ऐसा ही लग रहा ना, यही प्यार है यही प्रेम है मुझे चाहिए, पता है, बट अभी नहीं। तुम जब तक हाँ नहीं बोलोगे तब तक मैं नहीं लूंगा। अभी थोड़ा सही नहीं लगता यार, ऑड फील होता है, समझा तो। हाँ। अभी नया नया प्यार है, नया नया रिलेशनशिप है, तुम्हें ऐसे करने में अच्छा लगता है, दूसरे कहने में करने में अच्छा लगता है, दूसरा जो भी कहेगा तुम मान लोगे। यार मेरे भी तो अंदर से फील होना चाहिए, मुझे तो ऐसा कुछ फील ही नहीं होता रियल में। लेकिन उनका वीडियोस मैंने देखा है यार, वीडियोस में तो पता नहीं क्या क्या करते, तो तुम भी वही सोचोगे यार इससे प्यार कम होगा। मेरे अंदर पता है कितनी क्या फील होगा, मुझे पता है वो तो। क्या जो तुम्हारे लिए प्यार है ना वो भी कट हो जाएगा। अच्छी फीलिंग होता है यार, एकदम मुझे अच्छा फीलिंग होगा, तुम्हें अच्छी फीलिंग नहीं होगा, ये कौन सी बात हो गई? ऐसी बातें मत करो, सब देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। कौन देख रहा है यार, हर कोई रोमांस करता है यार, कौन क्या कौन सिंगल आता है बताओ, हर किसी का सिंगल नहीं आते तब यार। अच्छा इसके लिए घर पर ही घर भी होते और भी चीजें होती है। ओहो अब समझा, इसका मतलब कि खुल्लम खुला नहीं करना है, जो करना है कि अच्छा नहीं रहता है होटल वगैरह में या तो घर वाले में। अरे ये सब नहीं यार जो करना है कि खुल्लम खुला मत करो, अरे अपना घर है, घर चलो, घर घर किस लिए दिया है? हां तो फिर कौन घर वैसे ये बात। हां तो मैं तुम्हें इसको लाइक करता हूं यार, अच्छा लाइक भी करना चाहिए जो। चलो फिर कल कल आओगे बताओ, कल वैसे सैटरडे। हां तुम आओगे तो फिर आएंगे, बात करेंगे, बैठेंगे, उठेंगे। यार ये गलत चीज़ें करने से पता है अच्छा फील नहीं होता है, अपने अंदर भी गलती फील होता है और घृणा सी पैदा होने लगती है। तुम आओगे बताओ कल घर पे, ये बता दो पहले आओगे कि नहीं आओगे।
हाँ घर पे आऊंगी, कितना हो गया? मगर हाँ कोई ना कोई साथ होना चाहिए। तो अकेले रहोगे तो दबे पाँव घर से बाहर चली जाऊंगी। फिर कोई नहीं, मत कहना कोई मुस्कान ने नहीं, मुझे धोखा दिया। रहेगा ना, समझा रहेगा 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 साथ में। करो यार, अच्छा नहीं लगता। देखो जब हम कुछ आगे बढ़ जाए या कुछ और हो तब अच्छा लगता है। ये सब ये अभी गलत तो मैं घर चीजें। में किसको रखो? एक कुत्ता है, डॉगी है छोटा सा, उसको वो रहेगा ना, और मैं रहूंगा। डॉगी के सामने, डॉगी को क्या पता, डॉगी के सामने कुछ भी करते मैं कुछ गलत भी करूंगा काटेगा। नहीं डॉगी तो तुम्हारी भाषा बोलेगा ना, मेरी नहीं बोलेगा। वो मेरी बोलवा तो मैं मान अच्छा भी मैं तुम्हें जाऊं काटूंगा इसलिए वो रुक नहीं पाएगा। और क्या। मैं ऐसे काटूंगा ना, तुम्हें प्यार से काटूंगा, उस तरह नहीं काटूंगा। ये तो काटूंगा ना, बहुत ही प्यार से काटूंगा। उधर जो प्यार कर रहे हैं ना, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे प्यार मुझे भी करो तुम। अच्छा तुम करते नहीं, सामान खड़े करे हम बात कर रहे हैं। तो यार मुझे अर्जेंट था इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। तुम कह रहे थे घर पे बुला लेते हैं। अरे मुझे घर पे अर्जेंट है ना, तुमने बोला था मुझे मुझे कुछ काम है, जल्दी आ जल्दी आ। तो मैंने बोला पता नहीं क्या ऐसा क्या काम हो गया, मुझे क्या पता था कि किसके लिए तुम मर रहे हो। हद हो गई, मैं सोची पता नहीं कितना बड़ा काम होगा, पता नहीं क्या सोच के बैठे होगे तुम। ये सोच के बैठा था कि तुम सच हो कि नहीं, झूठ होता है ये। और इतनी बड़ी मैं सच नहीं दिख रही, झूठ दिख रही हो क्या? भूखे देखो मुझे ऐसे कि मैं कुछ हो या नहीं। मार दिया, और बताओ लगा लगा ना? ऐसे मुझे भी लग रहे हैं अंदर से, चोट लग जाएगा, गिर जाओगे इधर। हाँ यार मुस्कान यार, अगर तुम कल पक्का होगे तो फिर बताओ। हाँ आजा। कितने बजे, रात को या शाम को? दिन में, ना शाम ना सुबह ना रात, दिन में। दिन में भी कभी कभी बुलाया करो यार, हर समय तुम तो उसी फिल्म की तरह करो, रात में आ जाना जो भी काम हो। अब मुझे पता है तुम किस इरादे से रात में बुला रहे हो मुझे, है ना? किस इरादे से? बता किस इरादे से? अब रहने दो, ज्यादा मुंह मत खुलवा, ठीक है? बताओ ना उसी इरादे से कि इस इरादे से? अरे किसी भी इरादे से बुला रहे, वो तुम्हें खुद पता होगा, इसलिए तो समझदार हो। चलो बस इतना ही, बहुत काफी है। मन में लड्डू फूट रहे हैं, ये बता दो तो कुछ। अब फूटेंगे नहीं यार, जब इतना जवान लड़का खड़ा है मेरे सामने, ऐसी बक 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 करे जा रहा है यार। थैंक यू। जवान लड़का क्या, थोड़ा थोड़ा वो तुम्हारे झेलने के लिए, तुम्हें झेलने के लिए बंदा। हाँ बॉडी शॉडी है, तुम्हें ऐसे झेल लूंगा मैं। हाँ झेल लोगे, मेरे नखरे नहीं पता तुम्हें कितने, एक मिनट में भाग छोड़ के भाग जाओगे मुझे। 8-8 घंटा में प्यार कर सकता हूँ तुम्हें लेके। हाँ 8-8 घंटा प्यार कर दिया। कल आओगे पक्का? बताओ। हाँ वो फीस वाला, लिखित वाला क्या गोली? यही लिप की सोफा तुम्हारे लिए। अच्छा मेरे प्रैंक, मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था। तुम वेट कर रहे थे यहाँ पर, तुम मुझे लगा तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे। हाँ मैंने दूसरी देख लिया था, इसलिए मैंने बोला कैमरा वाला भैया को बोला कि जाके मैं कैमरा लगा, मुझे प्रैंक करता हूँ मुस्कान के साथ। हाँ तो हो गई यार। कैसा लगा मैं प्रैंक? प्रैंक तो अच्छा लगा, मगर मेरा दिल तो टूट गया अंदर से। तुम्हें किस दे देना लिख के? अब कुछ नहीं मिलेगी तुम्हें, लिख के सिर्फ कुछ नहीं मिलेगी। तुम मेरा दिल तोड़ देते हो जब भी देखो, फ्रैंक किस करते रहते हो, तभी मेरे बारे में भी तो सोचा करो यार। घर पे आ जाना, फिर मैं सोच लूंगा। हाँ गाइस लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कल घर पे आओगी? ये तो पागल लड़का है। आ जाएगी, देखना मिल जाएगा नेक्स्ट फ्रैंक में।